हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15.1, जिसमें है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो है हम लोग आज 9 नंबर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में है उसमें हम लोग 8 तक सॉल्व किए थे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं 9 नंबर को, जो मैथ नंबर है 9। इसको क्वेश्चन को पहले देखते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ हॉल आर 4 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। तो एक हॉल है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। देयर आर 3 डोर एंड 4 विंडोज। वहाँ पे जो है 3 दरवाजे हैं और 4 खिड़कियाँ हैं। तो द मेज़रमेंट ऑफ ईच डोर इज़ 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। यानी हर एक दरवाजे का जो मेज़रमेंट है, जो लंबाई और चौड़ाई है, 1.5 मीटर एंड 1 मीटर है। एंड ईच विंडो इज़ 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर। और हर एक का जो विंडो का जो मेज़रमेंट है वह है 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर। यानी लंबाई इतना है और चौड़ाई भी दिया हुआ है। How much will it cost for covering 4 walls by colored paper at the rate of ₹70 per square meter? तो जो 4 wall है हॉल का, उसके चारों तरफ अगर हम कलर पेपर बैठाए तो कितना रुपया खर्चा होगा? अगर 1 square meter में हमारा 70 रुपया खर्चा पड़ेगा। तो पहले हमको क्या करना होगा, जो हॉल है उसका जो उसका मेजरमेंट है टोटल निकालना होगा। निकालने के बाद जो ईच डोर और ईच विंडो है उसका एरिया निकालना होगा। तब हॉल से इस दरवाजे का और विंडो का जो एरिया आएगा उसको हम लोग जो सब्ट्रैक्शन है वो कर देंगे, और इसके बाद जो एरिया बचेगा उसको ₹70 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सॉल्व किए हैं। एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम इक्वल टू 2 × L + B × H। आप लोग जानते हैं अगर 4 wall का हम लोग एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला यही होगा, 2 × L + B × height। याद रखिएगा आप लोग। तो 2 × L + B, तो L है 4, B है 6 और जो H है वो भी 4 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 = 8 प्लस 2 × 6 = 12। तो 8 और 12 20। 20 × 4 = 80 square meter। ओके, इसके बाद एरिया ऑफ 3 doors एंड 4 windows, यानी 3 दरवाजे और 4 खिड़कियों की जो एरिया निकलेगी वो देखिए यहाँ पे 3 × 1.5 × 1। 1.5 × 1 जो है वो मेजरमेंट है डोर का। इसके साथ हम लोग 3 ले लिए इसलिए क्योंकि 3 दरवाजे हैं, प्लस 4 × 1.2 × 1। तो 1.2 × 1 क्या है, जो विंडो है उसका मेजरमेंट है, क्योंकि 4 windows हैं इसलिए हम लोग 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई किए। इसके बाद स्क्वायर मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 × 1.5 = 4.5 प्लस 4 × 1.2 ×1 = 4.8 square meter। तो 4.5 प्लस 4.8 square meter = 9.3 square meter। ये एरिया निकल गया किसका, 3 doors का और 4 windows का, दोनों का। तो एरिया ऑफ द वॉल्स एक्सक्लूडिंग द एरियाज, तो उस देखिए पूरे जो दीवार थे उसके, 4 दीवार थे उसके एरिया कितना निकला था उस वक्त, 80 square meter। अब जो 3 दरवाजे और 4 windows हैं उसका एरिया कितना निकला, 9.3 square meter। तो इस 80 से हमें 9.3 घटा देने से क्या बचेगा, हमारा जो वॉल है उसका एरिया बचेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि एरिया ऑफ द वॉल्स एक्सक्लूडिंग, मतलब छोड़ के, द एरियाज ऑफ 3 doors एंड 4 windows। तो 80 - 9.3 = 70.7 square meter। ये हो गया हमारा टोटल वॉल जिसमें हम कलर्ड पार्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग कलर्ड पेपर्स ऑन द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹70 per square meter = 70 × 70.7 = 4949 rupees will be spent। तो 4949 रुपया खर्चा होगा अगर हम उसको कलर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगर सब्सक्राइब
नए किया तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जाते रहे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैथ है उसको देखते हैं हम लोग, जो 10 नंबर है यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 15.1 नंबर 10, द एरियाज ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 42 स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ फ्लोर इज 12 स्क्वायर मीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ अ रूम इफ द लेंथ ऑफ रूम इज 4 मीटर। तो बोल रहे हैं कि चार, एक रूम की चार दीवार का जो एरिया है वो 42 स्क्वायर मीटर है, और जो फ्लोर है यानी फर्श जो नीचे है फ्लोर वो है 12 स्क्वायर मीटर, जिसमें हम लोग चलते हैं पैदल। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द रूम इफ द लेंथ ऑफ रूम इज 4 मीटर। तो हाइट निकालने बोलता है रूम का, जबकि उसकी जो लेंथ है उस रूम की वो है 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाएंगे इसको, सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4 मीटर, इसलिए ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 12/4 मीटर। जितना एरिया होगा उसको अगर हम लोग लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ब्रेथ निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू होता है एरिया। तो 12/4 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो देखिए लेंथ हम लोग का 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर, अब हाइट निकल गया एक्स मीटर। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा। तो देखिए एल प्लस बी की जगह हम लोग 4+3 दिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ वही है, इंटू हाइट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीटर लिया है इसलिए एक्स दे दिया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 14x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो एरिया हम लोग का है टोटल, वो बोला है यहाँ पे देखिए सबसे पहला लाइन में, द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 42 स्क्वायर मीटर, इसलिए 14x इज इक्वल टू 42 होगा यानी 42 होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 3 मीटर। सॉल्व ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम और सजेशन देन कमेंट मी, वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट मैथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मैथ जो है वो 11 नंबर है। तो ये मैथ देखते हैं। सुजाता विल ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पिक्चर ऑन ए पेपर विथ एरिया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पेपर इज 5 सेंटीमीटर, लेट्स कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ पेपर ऑफ सुजाता। तो सुजाता एक लड़की है, तो ये एक पेपर पर एक रेक्टेंगुलर पिक्चर बनाएगा ओके, जिसका जो एरिया होगा वो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑफ पेपर इज 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ और ब्रेथ है उसका जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यानी अगर मान लेते हैं जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है तो जो ब्रेथ होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा ओके, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ जो है कम होगा। तो हमको उस पेपर का जो है पेरीमीटर निकालना होगा ओके। तो हम लोग निकालते हैं सॉल्व। लेट द लेंथ ऑफ द पेपर इज इक्वल टू एक्स मीटर, मान लेते हैं लेंथ अगर मान लेते हैं उस पेपर का एक्स मीटर है, इसलिए ब्रेथ ऑफ द पेपर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स माइनस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले ही यहाँ पे बोल दें कि डिफरेंस जो है लेंथ और ब्रेथ का वो 5 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ एक्स माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो एल इंटू बी, एल कितना है एक्स, और जो बी है यानी ब्रेथ है वो है एक्स माइनस 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर ओके। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 84। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्या है, अभी एरिया निकला है, लेकिन सबसे पहले लाइन में यहाँ पे बोला है कि जो रेक्टेंगुलर पिक्चर है उसका जो एरिया है वो है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन इसके हिसाब से अभी कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स 5 एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 84, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 84 इज इक्वल टू 0। 84 को इधर ले जाएंगे हम तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि अभी पॉजिटिव में, तो और तो यहाँ पे देखिए 84 यह जो है इसको मल्टी मिडिल फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो मिडिल फैक्टर साइड में यहाँ पे देखिए एलसीएम किया हम पहले 84 का, 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42 आया, 42 को फिर 2 से 21 आया, 21 को फिर 3 से तो आया 7 ओके।
तो 2 × 2 × 3 इजिकल टू आ जाएगा 12। तो 12 - 7 इजिकल टू, साइड में देखिए यहाँ पे लिखे हैं 12 - 7 इजिकल टू 5। तो बीच में यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 5x है, 5 है, तो इसलिए हम लोग दिया पे यहाँ पे दिया है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 84 इजिकल टू 0। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन लिया है, x कॉमन लेने से x माइनस 12 प्लस 7 कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 इजिकल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 7x की जगह 7 ले लिया तो x बचेगा, और यहाँ पे 84 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ओके, अब दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस 12 और यहाँ पे आएगा x प्लस 7 इजिकल टू 0। आइदर x माइनस 12 और x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 12 होगा, और x प्लस 7 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू माइनस 7 होगा। इसलिए लेंथ ऑफ पेपर विल नॉट बी नेगेटिव, जो लेंथ ऑफ पेपर है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, माइनस 7 नहीं होगा, इसका आंसर 12 होगा। इसलिए लेंथ ऑफ द पेपर इजिकल टू, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, रूम दी थी हम पहले, यहाँ पेपर होगा, तो लेंथ ऑफ द पेपर इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। इसलिए ब्रेथ ऑफ द पेपर इजिकल टू कितना होगा, 12 - 5, क्योंकि x माइनस 5 लिए थे उस वक्त, तो x माइनस 5 इजिकल टू 12 - 5 इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। इसलिए पेरीमीटर ऑफ द पेपर, पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2 × L + B, तो 2 × L + B एल 12 बी 7 सेंटीमीटर, तो 12 × 2 24 प्लस 7 × 2 14, तो 24 + 14 इजिकल टू 38 सेंटीमीटर सॉल्व। ओके, तो ये हो गया आपका जो 11 नंबर है वो सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है आप उस तक जो है पहुँचता रहे, और उसका भी फ़ायदा रहे, आपका भी फ़ायदा होता रहे, और बेल आइकन की भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू अपडेट इस चैनल से आप तक जाते रहे। क्योंकि हम लोग जो इस चैनल में वीडियो बनाते हैं, आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी, वी विल बी वेरी हैप्पी।